बात जेएमएम के अंदर मची घमासान की करेंगे। जेएमएम के अंदर राजनीति गर्म है। पार्टी विधायक सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर बीजेपी के संपर्क में होने का आरोप लगा है। दोनों ही विधायकों की शिकायत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से की गई है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोनों विधायकों की गतिविधियों की जानकारी दी गई है। पार्टी के एक दर्जन से अधिक विधायकों ने इसकी शिकायत पार्टी नेता शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से की है। शिकायत वाले विधायकों का कहना है कि ये दोनों विधायक लगातार संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनकी भूमिका संदेहास्पद रही है। पार्टी नेताओं को बताया गया है कि सरकार गिराने की मुहिम में ये दोनों विधायक पार्टी के निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के संपर्क में भी है। इसके साथ दोनों विधायकों की साठगांठ है। ऐसे संकेत है कि पार्टी नेतृत्व इन विधायकों पर कार्रवाई कर सकती है। शिकायत करने वाले विधायकों ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से पद और पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। विधायकों ने बताया कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि पार्टी के कई विधायक अलग गुट बनाने के लिए सहमत हैं। इसमें कांग्रेस के भी कुछ विधायक शामिल हैं। आप भी मुहिम के साथ दे विधायकों से सही समय पर इंतजार करने के लिए कहा गया है। इधर दोनों विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सीता सोरेन तो इसको लेकर दोपहर में राज्यपाल से मुलाकात करने का समय मांग चुकी हैं। हमारे संज्ञान में नहीं है। समाचार पत्रों या चैनलों के माध्यम से ये संज्ञान में आया है। देखिए, इतना तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंतरिक लोकतंत्र के तहत जो भी बातें हैं, अगर किन्हीं माननीय विधायक को कोई आपत्ति हो, कोई तकलीफ हो, निश्चित रूप से वो अपने पार्टी फोरम में और पार्टी सुप्रीमो को उससे अवगत करा सकते हैं और निश्चित तौर पर उसका निराकरण भी होता है। इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जो भी मसले आते हैं, मैं तो पार्टी में देख रहा हूँ कि सभी की बातों को सुना जाता है और निराकरण किया जाता है। परंतु ये बात भी सच्चाई है कि विपक्ष पूरी तरह से लगा हुआ है कि कैसे हम पार्टी के अंदर कुछ कन्फ्यूज़न पैदा करके कुछ लोगों को हम तोड़ें या उनको भड़काएं। तो हालांकि उसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो भी विधायक हैं, माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी हैं, बहुत ही पुराने नेता, कद्दावर नेता हैं। स्पष्ट हो गया है कि इस तरह की अगर कोई बातें हैं और जिस तरह से अखबार में खबर छपी है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय को इसकी सूचना विधायकों के द्वारा दी गई है, तो ये बातें पार्टी के संज्ञान में आ गई है, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के संज्ञान में आई है। लेकिन अभी चूंकि पार्टी अध्यक्ष भी नहीं है यहाँ पर, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी यहाँ पर नहीं है, तो अब उनके आने के बाद उनसे चर्चा की जाएगी और जैसा निर्देश माननीय अध्यक्ष का होगा, माननीय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को होगा, फिर उस तरह से हम लोग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।